तो यार आज का जो वीडियो होने वाला है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। सो मैं रियल लाइफ स्टाइल को अपना ब्लॉगिंग वॉगिंग नहीं कर रहा हूँ अभी। आज तो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, तो जिसको बोरिंग लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग ही लगेगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना, और कमेंट करके बताओ कि ऐसा कुछ है जो भी है नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और अगर अभी तक आप लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले यार वीडियो देखो। तो चलो हम लोग मिलते हैं कि हम लोग का आगे क्या होने वाला है। इसके वीडियो का मोटिव क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ पे जो भैया हैं, मैं आपको भैया से मिलवाता हूँ। ये भैया को आप अगर जानते होंगे, अगर कोरबा में भैया का शॉप है हमारे, तो भैया के पास हम लोग कुछ अवेयरनेस देने के लिए हैं। तो मैं कुछ पूछता हूँ भैया से, आप समझ जाओगे कि वीडियो में क्या होने वाला है। तो भैया आपके पास कभी ऐसा हुआ है क्या कि कोई लड़का आया कुछ भी सामान, फिर आप अगर वो आपको बोले कि पेटीएम में पैसा दे देगी आपके अकाउंट में, लेकिन आपके अकाउंट में कभी पैसा आया ना हो, ऐसा हुआ होगा आपके साथ? हाँ, तो भैया के साथ ऐसा कभी हुआ है कि उनको कोई पैसा भेजा लेकिन उनके अकाउंट में एक, तो उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया? ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ। तो इसमें क्या होता है नहीं होता है, मैं आपको इस वीडियो के बाद में दिखाऊंगा कि इस क्लिप के बाद दिखाऊंगा कि लोग क्या करते हैं कि लोगों के अकाउंट में पैसा चले जाता है नहीं जाता है। तो भैया को आज मैं वो चीज़ एकदम अच्छे से समझा दूंगा कि कोई पैसा भेज रहा है तो कैसे देखना है, कैसे नहीं देखना है, कैसे वो लोग क्या कर रहे हैं। तो आपको भी इस वीडियो में पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा वीडियो को डिटेल में देखना। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि दिखाते हैं कि चला गया पैसा लेकिन खाते में आता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है ये मैं भैया को दिखाऊंगा, और आपको भी इस वीडियो के बाद में क्लिप में दिखेगा कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो फटाफट भैया का नाम और नंबर डालते हैं, और ये वो फेक ऐप है जहाँ से पेमेंट होता है, नंबर भी मैंने डाल दिया, अमाउंट पहले से मैंने डाल के रखा है, इसको कट करते हैं और हम लोग 100 रुपये डालते हैं। तो इस तरीके से कुछ ये ऐप काम करता है। यहाँ सबमिट, और ये देखो पैसा सेंड, ये बिल्कुल पेटीएम का इंटरफेस है। समझाया तो भैया अच्छे से समझ गए अभी। तो इसमें अब भैया को अगली बार से कोई दिक्कत नहीं होगा, वो कभी भी कुछ भी ऑनलाइन पेमेंट होगा तो वो अपने तरफ से एक बार चेक जरूर कर लेंगे, है ना भैया? ठीक है, धन्यवाद भैया, आप वीडियो बनाने के लिए। तो हम लोग चलते हैं और भी लोगों को ऐसे अवेयरनेस देने। अभी हम लोग भैया के दुकान के यहाँ से निकले हैं, जो पहले शॉप पे अपन गए थे वहाँ से निकले अभी। तो धूप बहुत ज़्यादा हो गई है तो टोपी लगा लेता हूँ मैं, और अपन चलते हैं अभी और भी लोगों को अवेयरनेस देते हैं जो भी दिखे हम लोग को देने लायक। तो चलो भैया, अब आपके यहाँ, आप जैसे कि बोले कि आपके यहाँ पेटीएम सब कुछ होता है, ठीक है? तो आपको मैं हम लोग ये बताने के लिए हैं यहाँ पर कि जो पेटीएम आजकल है ना, तो पेटीएम का एक ऐप आया है पेटीएम स्पूफ करके, वो फेक पेटीएम है। वो आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा नहीं, कहाँ मिलेगा मैं आपको बताऊँगा। तो वो चीज़ का लोग यूज़ करके, लड़के आजकल यूज़ करके उसका आपको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब उसमें ये दिखाएगा कि आपको पैसा चला गया, जितना भी उन्होंने 2000 5000 जो भी भेजे वो आपके में आ गया, लेकिन वो एक्चुअल में आएगा नहीं, वहाँ पर आता नहीं। हाँ, आता नहीं है, बस वो फ़ोन पे दिखाएगा कि वो आ गया, है ना? तो ऐसा अगर आपके साथ कभी हो तो आप हमेशा एक बार कोई भी पेटीएम कर रहे हैं आपको, तो एक बार आप अपने फ़ोन में भी कन्फर्म कर लो। और आप लोग भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपके साथ ऐसा कभी हो रहा है तो आप भी एक बार अपने फ़ोन में ज़रूर कन्फर्म करो। अभी घूमते हुए हम लोगों को एक भैया मिले, भैया का शॉप मिला, तो भैया को भी एक बार हम लोग चलते हैं और भैया से एक बार बात करते हैं कि उनके साथ कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ होगा तो मैं भैया को एक बार अपनी तरफ से अवेयरनेस ज़रूर दूंगा, और आप लोग भी अगर ये वीडियो देखें तो इससे कुछ ज़रूर सीखना। तो भैया जी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो भैया आपके यहाँ फ़ोनपे पेटीएम होता होगा ना? हाँ, तो भैया के यहाँ फ़ोनपे और पेटीएम होता है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ क्या भैया कि कोई आपको आया और पेटीएम में दिखाया कि पैसा आ गया, लेकिन आप 3 4 दिन बाद उसको चेक कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया, ऐसा हुआ होगा? होता है ना? हाँ जी, तो ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो आप लोग भी इससे कुछ देखो, क्योंकि भैया के पास भी ऐसा कभी हुआ है कि भेजे पैसा और पैसा नहीं आया। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि नाम और नंबर डालने पे पूरा पेटीएम का इंटरफेस आता है, वहाँ पे पेमेंट हो जाता है, बस सबमिट करना है। मैं यहाँ पर 2000 अमाउंट डालता हूँ। तो इससे लोग बहुत ज़्यादा धोखा खाते हैं, लोग भरोसा करके छोड़ देते हैं। सो आप ऐसा ना करें, हमेशा एक बार वेरीफाई ज़रूर करें। तो वही मैं भैया से एक बार डिस्कस कर लिया, बात कर लिया, तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो पेटीएम स्पूफ में कैसे होता है, और मैं भैया को भी एक बार सिखा दिया हूँ। तो भैया बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद एक बार आपकी तरफ से कि आप मेरे वीडियो बनाए। यार मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो के एंड में कि आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो या फिर पेटीएम पे कोई भी झोल झाल कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि सब लोग अपने मेहनत से कमाते हैं और अपने मेहनत तक खाते हैं। तो आप भी मेहनत करो, अपने मेहनत तक आओ, क्योंकि ऐसे किसी और पे जाके किसी और की मेहनत पे कमाई को ऐसे फेक पेटीएम करके उनके अकाउंट में पैसा डाल के 100 200 1000 रुपये के ऐसे करके बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। तो मेरे तरफ से बस आपको मैं यही बोलूँगा कि आप अगर इस टाइप का कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी हरकत कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये कुछ अच्छा चीज़ नहीं यार। आप किसी की मेहनत तक खा रहे हो, बिल्कुल भी अच्छा चीज़ नहीं, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ यहाँ पर मैं देखा कि काफ़ी सारे लोग ऐसा कुछ कर रहे थे। सो इसलिए मैं आज ये वाला वीडियो बनाया हूँ, और कोई रीज़न नहीं है इसे बनाने का। तो आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अपन मिलते हैं ऐसी किसी अगले इन्फॉर्मेटिव या फिर मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।